अरे एक सेकंड, रिगो MPS 1 एनीबॉडी चैट पे लिखो अगर है तो। 11th क्वेश्चन ओके। लेफ्ट हैंड साइड से चालू करो। कॉटे इनटू कॉसे डिवाइडेड बाय कॉटे प्लस कॉसे, किसका डाउट है 11th में सर? दक्ष। इसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को मॉडिफाई हाँ दोनों को करके, नहीं करना, मैंने बोला हुआ है कि लेफ्ट साइड से मैनिपुलेट करना सीखना है, तो देखा तो राइट साइड से मैंने ऑप्शन से हिंट ले लिया कि कॉटे माइनस कॉसे है, तो उससे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। बच्चे कर सकता हूँ एवरीवन, इसको भी डाउट है? सो ऑब्वियसली अब मैं इसको टच नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ऑप्शंस में दिख रहा है, ऑप्शन मतलब राइट साइड, उसमें ये वाला टर्म दिख रहा है, तो मैं इसको टच ही नहीं करूंगा। करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस। नीचे आ गया कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए एक्स कॉट ए इंटू कॉस ए, अब सब कुछ साइन कॉस में कर देता हूँ, कॉस बाय साइन इंटू कॉस इंटू कैपिटल एक्स, ये हो गया cos square common आ गया 1 by sin square minus 1, cos square से cos square चला गया, x by sin नीचे sin square LCM 1 minus sin square x, एक sin चला गया देख लो, तो x divided by cos square by sin, तो x by cos by sin into cos that is x by cot a into cos a which is equals to right side, clear? यस सर। फोर्टीन्थ एंड 15th ऑलरेडी डिस्कस, क्यों करूंगा मैं वापस, जो क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूं ना एवरीवन। यस सर। यस सर। यस सर। तो जिस नालायक को डाउट है थोड़ा जब ढंग से पढ़ा करो सच्ची में बच्चे, 14th एंड 15th मैंने क्लास में डिस्कस किया। तो MPS 1 हो गई एवरीवन? यस सर। यस सर। अब माइक ऑन करो। साहिल राउत माइक ऑन करो। क्यों बच्चे तेरे को लेक्चर ढंग से पढ़ना नहीं है, जब करा हुआ है क्यों नहीं देखा वहां पे? सर मैं फिर से देख लूंगा। अरे लेकिन क्लास में किया हुआ है लेक्चर में, तो फिर वहां पे क्यों नहीं ध्यान है तेरे को? यू आर लेट और व्हाट? सर नेटवर्क इशू थे तब। नेटवर्क इश्यू है तो इतना सिंसियरनेस नहीं होती कि बच्चे रिकॉर्डिंग को वापस देखे। सिस्टमैटिकली ऐसे मत कर, वापस देखना उसको, क्लियर करना, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा मैं तुझसे। ओके सर। चल MPS 2 में डाउट बताओ, MPS 2 में कोई डाउट है तो चैट पे लिखो। जल्दी से लिख लो फिर लॉक हो जाएगा। चलो दैट्स इट। सर गौरव 10th क्वेश्चन, इसका डाउट है गौरव गिवन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस आर एंड 2R, two parallel tangents are drawn to the inner circle. Okay, ये parallel tangents हैं। तो मतलब इनके बीच की distance क्या होगी? Diameter होगी, correct everyone? Yes sir. Yes sir. Cuts off an arc from the circle, find its length. Yeah. Two parallel tangent to the inner circle cuts off an arc from the outer circle. इसकी length पूछ रहा है वो यार, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। मुझे भी आर्क की लेंथ पूछ रहा है ना, क्योंकि लास्ट में ये ना उसमें कट ऑफ ना सर्कल, आर्क बीडी बीडी आर्क एडी आर्क।
एडी नहीं तो सीडी जो भी बीडी या बीडी प्लस एसी नहीं सर एडी टेंजेंट सर से भी एक शायद से सर एक ही आर्क प्ले एन आर्क दिया है ना मतलब एक ही आर पूछ रहा है लेकिन दोनों आर दोनों की लेंथ तो दोनों की सेम ही लेंथ है तो इसलिए ठीक है एक ही पूछ रहा है वो मतलब अदरवाइज समेशन उनका नहीं पूछ रहा है ठीक है चलो एक ही की आर पूछ रहा है लेट्स अज्यूम दैट तो ये जॉइन कर लेते हैं ओके रेडियस आर एंड टू आर है तो बच्चों ये आर है करेक्ट एवरीवन यस सर और ये टू आर है तो अगर इस एंगल की बात करूंगा तो ये हो जाएगा कितना 60 डिग्री क्यों 90 डिग्री देखते ही हम ट्रिग्नोमेटर यूज करते हैं तो अगर मैं उसको थीटा बोलूंगा तो r अपॉन 2r हो जाएगा तो थीटा इज 60 डिग्री करेक्ट ना एवरीवन यस यस सर 60 डिग्री तो फिर ये भी 60 डिग्री आ गया और इसका 2r है तो लेंथ ऑफ एन आर्क इज व्हाट 2r * थीटा क्लियर यस यस सर इच्छा भी नहीं होती बताने की एड कर दिया 2 tan थीटा कितना हो जाएगा m plus m ये वाले समझ आ गया सर लास्ट स्टेप बीच बीच में मत बोल अब मैं क्या रट के बैठा हूँ क्या सॉल्यूशन बच्चे मेरे को क्या पता लास्ट स्टेप में मैंने क्या किया था उस समय हाउ डू आई नो लास्ट स्टेप अरे मुझे मैं थोड़ा रट के बैठा हूँ तो ये टेन थीटा आ गया ये साइन थीटा आ गया अब वो बोल रहा है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कर दो उसी टेंस में मतलब वो जो बोल रहा है वो यू वुड डू दैट तो टेन थीटा है ये रहा कितना चलो ऐसे ही रखते लेफ्ट साइड इज m plus n into m minus n. So, कितना हो गया 4 tan theta into sin theta. Yes, sir. अपन को theta eliminate करना इससे तुम देखो तब obviously फिर मेरे को right side को manipulate करना पड़ेगा ऐसे तो hint मिलेगी नहीं better अपना तो theta को eliminate करने पे focus रहता है instead of क्या prove करना है वो छोड़ो theta को eliminate करने पे ध्यान दो तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू है m plus n by 2 तो cot थीटा हो गया 2 upon m plus n यहाँ से sin थीटा आ गया तो cosec थीटा भी आ गया 2 upon m minus n तो cosec और cot कैसे eliminate होते हैं बच्चों 1 plus cot square is equals to cosec square ऐसे तो cosec square is 4 upon m minus n का whole square माइनस कॉट स्क्वायर इज 4 अपॉन एम प्लस एन का होल स्क्वायर एलसीएम ले लिया 1 इज इक्वल टू एम माइनस एन का होल स्क्वायर इनटू एम प्लस एन का होल स्क्वायर यहां पे 4 एम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस एम माइनस हो गया ये ओके सिंपलीफाइड क्लियर लड़के यस सर चलो MPS 3 में कोई डाउट बच्चों MPS 3 तो बहुत छोटी वाली थी ना हां सर सिर्फ 5-6 क्वेश्चन ही थे और उसके सॉल्यूशन भी भेज दिए मैंने एवरीवन हां सर यस सर लास्ट टाइम कोई डाउट कोई डाउट सर ये नेक्स्ट क्लास कर सकते हैं मैंने किया नहीं है मैंने MPS कंप्लीट कर दिए थे सब जो कल दिया वो डिस्कस नहीं पुराना होमवर्क में ऑब्वियसली वन ए में कोई डाउट पुराना होमवर्क
7th, 10th, 40th. इसका डाउट है आदित्य सर. The perimeter of the sector of a circle. ये sector of a circle है. उसका perimeter मतलब r plus what? r theta. So 2r plus r theta is m times the radius of the circle. बच्चे अब इसमें भी issue है देखो आदित्य. किसे? हाँ? Sorry sir, मुझे I didn't get this. इसमें तो क्या issue हो सकता है बच्चे? R r सब जगह cancel. 2 plus theta is equals to what? M. Theta पूछा m minus 2. सर एम डी ऑप्शन होगा ना क्या इसमें पाई भी ना नाम बोले गधे की तरह मत बोला कर हजार बार बोल दिया है ध्रुविल सर डी ऑप्शन होगा हाँ मतलब ठीक है डी ऑप्शन तो खुद देख ले यार मैंने टिक कर दिया उसका ये मतलब नहीं तो देख ले वही एम माइनस टू लिखा हुआ सेवेंथ सब कह रहा हूँ ध्रुव तो मेरे को फोर्थ में एक डाउट है सर क्या डाउट है तो उसमें m माइनस टू c लिखा है तो वो डिग्रीज में होगा ना लेकिन हमारा आंसर रेडियंस में आया है क्या तो ऑप्शन डी m माइनस टू c लिखा है तो वो डिग्रीज में ही तो होता है ओके ओ सॉरी सर बताया बच्चे मैंने कि 30 के ऊपर कुछ नहीं लिखा हो या c लिखा हो तो वो रेडियंस होता है दोनों ओके सेवंथ क्वेश्चन किसका डाउट है सर ध्रुव क्या डाउट है सर इसमें हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या हर एक को नहीं इसका फास्टर मेथड मैंने क्लास में डिस्कस किया है क्या कि वन को ये वन को क्या लिख सकते हैं एवरीवन कॉस एक्स स्क्वायर थीटा याद है मैंने फंडा भी लिखा है एवरीवन यस सर यस सर ई sec 10 हो तो sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर यूज करो डिड आई से दैट और नॉट एवरीवन यस सर यस सर अब ये हो गया cosec theta plus cot theta into cosec theta minus cot theta क्या कॉमन है ध्रुव ऊपर सर cot theta plus cosec theta क्या बचेगा ऊपर 1 plus cosec 1 minus cosec theta plus minus cot theta minus नहीं कहते plus minus minus plus हो जाएगा हाँ minus minus plus और वही denominator जो cancel हो गया देख कितना easily simplify हो गया option A not equal to पूछा है तो option A तो सही है बाकी सब साइन कॉस में करके देख ले ओके सर सर यू कैन रिमूव व्हाट आई रोट इट बाय मिस्टर सर मेरा है सर व्हाटएस किसको डाउट है नेम सर ध्रुविल मैं बोल रहा हूं किसी भी बच्चे को कुछ भी बोल रहा हूं आई विल नॉट रिपीट अब नेक्स्ट टाइम किसी ने भी माइक ऑन करे बिना बोला तो मैं उसका कोई डाउट या कोई भी चीज अप्रिशिएट नहीं करूंगा हजार बार बोल चुका हूं कि तुम्हारा हाथ भी स्पेस बार पे जा रहा है तो पहले नाम आना चाहिए सर धैर्य ध्रुविल क्वेश्चन इज अ वेरी इजी क्वेश्चन बट बच्चों को पता नहीं क्यों डाउट आता है सर सर तीन बार सॉल्व किया सर आंसर नहीं आ रहा था ओके तो cos 120 डिग्री की वैल्यू आती है रख सकता हूं ना एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. ये 240 है इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हो ना एलाइड एंगल से 5 प्लस 5 बाय 3 यस इसकी भी वैल्यू माइनस हाफ होती है अब बचपन में हमने रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन किए हैं हम हमेशा सीखा है कि सब कुछ एक ही वेरिएबल्स में रखते हैं आया ना यस सर तो यहां से y को x के टर्म्स में रख सकता हूं कितना हो गया बताओ -2x यहां से z को x के टर्म्स में रख सकता हूं कितना हो गया -2x² + 4x² - 2x² आंसर जीरो क्लियर यस सर यस सर
सर वो डाउट सर इससे सॉल्व हो जाता है कहते हैं इग्नोर धैर्य का आप मैं कोई डाउट नहीं लेने वाला हूँ नाम बोले बिना वन वन बी का कोई डाउट वन बी का से पुराना होमवर्क ही पूछ लेना बच्चों अगर मैं नया होमवर्क ले रहा हूँ तो मुझे रोक देना नया होमवर्क अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ वन आपने नहीं दिया था लास्ट फाइव सेकंड्स सर 12 भी नहीं है पुराने होमवर्क में ओके बच्चे बता देना हटा देंगे हम सेकंड किसका डाउट है सर पवन क्या नाम बोलते हैं सर पवन पवन टेन थीटा इज रूट ए बाय रूट बी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दम नहीं है बट सब वेरिएबल्स हैं बस इसलिए घबरा जाते हो तो ये परपेंडिकुलर हो गया ये बेस हो गया हाइपोटेन्यूज इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर सो हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट ए प्लस बी बस वैल्यू डालनी है कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में साइन थीटा इंटू सेक साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज sec क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस cos थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज cosec क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर दिख रहा है पवन इतना सा भी सोचने का क्वेश्चन नहीं है ये 6 हो गया इसका 6 हो गया ये कॉमन ले लेते हैं क्या बचेगा रूट ए अपॉन रूट बी रेस टू पावर 7 कितना बचा आगे बच्चे रूट बी अपॉन रूट ए रेस टू पावर 7 अब इसके बाद देख ऑप्शंस को दिख रहे हैं तो दिख रहा है कि एलसीएम लेना चाहिए ये तो हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब इनटू इन दोनों का एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट और रूट ए इनटू रूट ए की पावर 7 रूट ए की पावर 8 यहाँ पे रूट बी इंटू रूट बी की पावर 7 रूट बी की पावर 8 दैट इज दिस बस ये आंसर आ गया ए प्लस बी होल क्यूब इंटू ए 4 प्लस बी 4 अपॉन ए बी रेस टू पावर 7 बाय 2 करेक्ट लड़के ऑप्शन है क्लियर लड़के यस सर फोर्थ खुशी वापस बोल नाम तेज बोला करो क्या खुशी खुशी क्या डाउट है इसमें लड़की सर 20 डिग्री का क्या करे कुछ मत कर उसको थीटा ले को कैंसिल हो रहा है 10 स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेगी तो ही कैंसिल हो जाता है ओके सर ऊपर साइन स्क्वायर कॉमन ऊपर एलसीएम कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया और वन माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है बच्चे साइन स्क्वायर नॉट गुड एट ऑल एट सर पवन ठीक है The area of the circle in which a chord ये देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कम 10th क्लास की ज्योमेट्री का क्वेश्चन एक chord होती है भवन सर्कल की तो इससे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो क्या होता है chord का सर मिड पॉइंट बाइसेक्ट होता है करेक्ट ना हाँ सर तो अगर पूरे chord की लेंथ 2a है तो ये हाफ लेंथ कितनी हो गई a हो गई और 90 डिग्री देखते ही तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करना चालू करना चाहिए हमें हाँ है ना हाँ सर ये बोल रहा है कि एंगल थीटा पूरे पे बना रहा है तो ये हाफ एंगल कितना हो गया थीटा बाय टू
तो अब इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं. साइन थीटा बाय टू इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, आया ना? हाँ सर. सो आर इज इक्वल टू ए बाय साइन थीटा बाय टू, दैट इज ए कोसेक थीटा बाय टू. अब उसने पूछा एरिया, आ गया ना सॉल्व किया, पाई आर स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा बाय टू आंसर. कोसेक में नहीं लिखा होगा तो पॉट में लिखा होगा. हाँ सर. ऐसे क्वेश्चन पूछते हो यार, ऐसे गए गुजरे हैं. वेरी बैड, वेरी वेरी बैड. सर नहीं ट्राई किया पर पता नहीं किधर मिस्टेक हो रहा है. दो बार वापस करना चाहिए था ना, अच्छे फ्रेश माइंड से वापस. इतना ऐसा क्वेश्चन यार, मतलब फ्रेश माइंड से वापस करना चाहिए. ऊपर साइन बाय कॉस, नीचे क्या कॉमन है? साइन कॉमन. साइन स्क्वायर बाय कॉस प्लस कॉस, ध्यान से देख, साइन से साइन कैंसिल हो गया. वन बाय कॉस, नीचे एलसीएम कॉस. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन, बस खत्म. मैं वो वैल्यू को देख के मैं उसको सब्स्टिट्यूट करके करने लगा था. तो उससे भी आंसर आएगा क्योंकि आंसर वन है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है. ओके सर, थैंक यू सर. सर 42 क्वेश्चन कल से डाल दिए. नाम बोले बिना तो मैं सच्ची में जूते मारूंगा. हजार बार बोल दिया है, सुनते नहीं हो क्या? सॉरी सर, साहिल था मेरे पास. सर 42 गलती से डाल. ओके वन सी माय डाउट्स. वंशी का कोई डाउट? वंशी में तो दिए भी बहुत कम थे ना मैंने. सर एक ही दिया था. तो ये लाइन पे नहीं दिया. टूए, टूए में दिए थे? हाँ सर. टूए में कोई डाउट है? गुड. टू बी में? लास्ट टाइम ठीक है. टू सी में? ओके गुड, कि बच्चे सीरियसली करके आ रहे हैं. गुड गुड, दैट्स इट. टू सी लास्ट टाइम. ओके 18th क्वेश्चन पहले देख लेते हैं. साहिल धानु का सकृति. ओके वंश. कार्तिक. ओके बच्चों 18 क्वेश्चन मेरे को लग रहा है वो सर्कल वाला होगा, के वाला जैसा कुछ. यस सर. हां सर वही है. हां सर वही. यस सर. वो डाउट आता है बच्चों को, सुन लो मेरे साथ. अंडरस्टैंड द क्वेश्चन अलोंग विद मी, फिर सॉल्व करेंगे. पहले अंडरस्टैंड ही थोड़ा सा चैलेंजिंग है, आया ना बच्चों? यस सर. फॉर ईच नेचुरल नंबर के, मतलब यहाँ एक एक लाइन को समझते जाओ, के की वैल्यू समय वेरी करती जानी है. करेक्ट एवरीवन? यस सर. तो सी के मतलब, अच्छा सी वन एक सर्कल होगा, सी टू एक सर्कल होगा, सी थ्री एक सर्कल होगा, समझ में आया यहाँ पर? यस सर. के सर्कल का रेडियस के होगा और सेंटर उसका ओरिजिन होगा, हमेशा सेंटर ओरिजिन है, ठीक है. ऑन द सर्कल सी के, तो हमेशा समझने के लिए हमेशा के की वैल्यू डाल दिया करो, क्योंकि सबसे पहले वन होगा. तो के इक्वल टू वन के लिए सी वन सर्कल है, उसका रेडियस वन है, सेंटर ओरिजिन है. और क्या बोल रहा है वो? कि सी वन सर्कल पे पार्टिकल मूव्स के यूनिट इन द काउंटर क्लॉकवाइज. काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज. उस पे वन यूनिट ट्रेवल कर रहा है, मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क वन यूनिट है. एग्री करो वाला? यस सर. यस सर. ऐसे ही अगर मैं के को टू रखूंगा तो सी टू पे
लेंथ ऑफ एन आर्क 2 यूनिट ट्रैवल करेगा, करेक्ट ना? यस सर। समझ लिया इतना मैंने। आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स मोशन ऑन C1 द पार्टिकल मूव्स टू C2 इन द रेडियल डायरेक्शन। ओके, द पार्टिकल कंटिन्यूज इन दिस मैनर एंड इट स्टार्ट्स एट 1,0। चलो अब स्टार्ट का बता दिया तो मैं समझ सकता हूँ। देखना ये सेंटर है ओरिजिन, 1,0 से स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहला कौन सा सर्कल ट्रेवल होगा? C1 ना? Yes, yes, sir. Yes, sir. C1 तो पूरा सर्कल है, agreed all of you? Yes, sir. Yes, sir. But वो क्या C1 पे पूरा सर्कल ट्रेवल कर रहा है क्या बच्चों? सिर्फ 1 यूनिट ट्रेवल कर रहा है, एग्री करो, कम ऑन, 1 यूनिट। देखो जल्दी से, और 1 यूनिट जैसे ही उसने ट्रेवल किया वो अभी कहाँ पे? पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। उसके बाद वो रेडियल डायरेक्शन, रेडियल मतलब सबको पता है फिजिक्स में थोड़ा बहुत आइडिया है कैसा डायरेक्शन, उस पे वो C2 सर्कल पे जंप कर जाएगा। ये C2 सर्कल कम ऑन जिसका रेडियस 2 है, एग्री करो? यस सर। यस सर। उस पे कितना यूनिट ट्रेवल करेगा? 2 यूनिट्स। 2 यूनिट। उसके बाद वो कौन से सर्कल पे आ जाएगा, सोचो जल्दी से। 3 3 3 3 3। वेरी गुड, C3 सर्कल पे आ जाएगा। सॉरी, उस पे 3 यूनिट ट्रेवल करेगा। अब तो समझ, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? ऐसे करते करते कभी ना कभी वो वापस यहाँ के आसपास 360 डिग्री लाइन को क्रॉस करेगा ना? यस सर। अच्छा, इफ द पार्टिकल क्रॉसेस द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द सर्कल CN, देन N क्या होगा? यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर? यस सर। वो एग्री करो कि एक्स एक्सिस को वापस क्रॉस करने के लिए उसको 2π एंगल ट्रेवल करना है टोटल, कम ऑन। यस सर। यस सर। तो हमें यही देखना है ना कि 2π एंगल टोटल कब ट्रेवल हुआ, एवरीवन? यस सर। यस सर। थीटा 1 देखते हैं पहले कि फर्स्ट सर्कल पे कितना ट्रेवल हुआ है। लेंथ ऑफ एन आर्क इज 1, रेडियस इज 1, हाय ना बच्चों? यस सर। इट इज 1, रेडियस इज 1, सो लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन ट्रेवल हुआ, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। थीटा 2 सेकंड सर्कल पे, ये थीटा 2 इसकी बात कर रहा हूं, उस पे लेंथ 2 है, रेडियस 2 है, तो थीटा 2 भी 1 रेडियन होगा, ऑल ऑफ यू एग्री करो? यस सर। 3 भी 1 रेडियन होगा, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अब 2π, 2π होता है कितना? 6.28 रेडियंस, कम ऑन, एग्री करो? यस सर। तो थीटा 6 तक 1 रेडियन, मतलब थीटा 6 तक उसने टोटल मिला के अभी तक कितना करा है? 6 रेडियंस कर लिया, एग्री करो? यस सर। यस सर। 6 रेडियन मतलब यहां पे कहीं होगा, एग्री करो, कम ऑन, C6 पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद वो C7 पे जंप कर जाएगा और वापस 1 रेडियन ट्रेवल करेगा, तो टोटल मिला के उसने अब 7 रेडियन कर लिया ना, एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो उसने एक्स एक्सिस को क्रॉस कर लिया होगा ना, एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कौन से सर्कल पे क्रॉस किया उसने? 7 सर। C7। यही क्वेश्चन, क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक्सरसाइज 3 का कोई डाउट? एनीबॉडी? ओके, फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। किसका डाउट है? फोर्थ क्वेश्चन, ये ट्रिगो का काम और ज्योमेट्री का क्वेश्चन ज्यादा है बच्चे। लेट डी बी द एनी पॉइंट ऑन द बेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल, ओके, ABC isosceles है जिसमें गिवन नहीं है, बट वो ऑब्वियसली अज्यूम करना है कि AB is equals to AC, D यहाँ पे कहीं है, AC is extended to E, so that CE, okay, is equals to CD, इसको X मान लिया, तो ये भी X है, isosceles है मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है,
if angle CED कहाँ ये रहा is equals to 10 degree find the cosine of the angle AFD F कहाँ ये बोला है ये so theta one मान दो तो ये 10 degree है तो ये भी 10 degree होगा आदित्य yes हाँ ना yes sir yes sir ये 10 डिग्री है तो ये 10 डिग्री हो गया यस सर ओके ये 10 10 है तो ये एंगल कितना हो गया 160 हो गया बच्चे 160 हां है ना यस सर यस सर तो थीटा कितना हो गया 20 डिग्री 20 डिग्री हां है ना यस सर यस और फिर एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल थीटा 1 इज 30 डिग्री पूरा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है 10th क्लास का बच्चे यस सर आप क्वेश्चन वन भी कर सकते हो प्लीज ओके जूते पढ़ने चाहिए आ रहे मन सच्ची में आ रहा ना सर मैंने अटेम्प्ट किया उल्टा आंसर आ रहा है तो मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ जूते पढ़ने चाहिए क्योंकि क्लास में करा हुआ क्वेश्चन है sec और tan में कुछ रिलेशन दे रखा होता है तो we use what बच्चों everyone sec square a minus tan square minus tan square equal to 1 is 1 sec a minus tan a into sec a plus tan a is equals to 1 बच्चे इसकी वैल्यू दे रखी है p तो इसकी वैल्यू आ गई कितने आ गए everyone 1 by p first सेकेंड क्या पूछा है उसने क्या निकालने को बोला है साइन है तो साइन है के लिए कौन सा निकालना है कॉस टेन दोनों से दोनों ही निकालना पड़ेगा दोनों को ऐड करना पड़ेगा दोनों ही निकालना पड़ेगा तो पहले दोनों को ऐड कर दिया तो टू सेके आ गया दैट इज पी प्लस वन बाय पी तो सेके का आंसर आ गया पी स्क्वायर प्लस वन बाय टू पी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो माइनस टू टेन ए इज पी माइनस वन बाय पी सो माइनस टू टेन ए की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस वन बाय पी ठीक है यहाँ से कॉस आ गया करेक्ट एवरीवन टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन तो साइन ए सॉरी टेन ए क्या होता है साइन ए बाय कॉस ए की वैल्यू रख दी पी से पी कैंसिल हो गया टू से टू कैंसिल हो गया माइनस को राइट साइड में ले गया साइन ए की वैल्यू वन माइनस पी स्क्वायर अपॉन वन प्लस पी स्क्वायर बोल क्या रहा होता है अरेवन सॉरी सर चलो हो गए सबके डाउट्स पूरे एवरीवन यस सर यस सर चलो ठीक है दैट्स इट अब जिसको कुछ इंडिविजुअली पूछना है पूछ सकता है अदर्स कैन गो बाय सर